सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप सभी को करना है कि आप सभी को चले जाना है ऐड फोटो में, यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। एंड यहाँ पे जो है गाइस, मैंने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से ही रेज कर रखा है, तो गाइस आप लोग को पहले से ही कर लेना है, ठीक है? क्योंकि यार इससे जो है टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, मतलब कि जब ये सब चीज़ें दिखाते हैं कि बैकग्राउंड रेज करते हुए। तो अभी जो हम फिलहाल क्या करेंगे, मॉडल को यहाँ पे कुछ स्टेप्स यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है? एंड उसके बाद क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे कि गाइस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो शेडो है फोटो में बहुत ज़्यादा है, तो मैं शेडो को इंक्रीज़ कर दूँगा, ठीक है, ताकि जो डिटेल वगैरह वापस आ जाए। और थोड़ी सी जो ब्राइटनेस है उसको भी मैं हल्का सा इंक्रीज़ कर लूँगा। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे एकदम परफेक्ट है, ठीक है? तो अभी इतना कर देने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जहाँ से डन करना है, उसके बाद जाना आप सभी को ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से ऐड करना आप सभी को एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड। एंड इसको ऐड करने के बाद आप लोगों को करना है क्या, आप लोगों को फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स ऐसे रख देना है, एंड इसको मूव डाउन कर देना है। एंड मूव डाउन कर देने के बाद आपको यहाँ पे इसको इन्वर्ट कर देना है रेजर टूल में जाकर, एंड ब्रश लेना है। ब्रश को लेकर हार्डनेस ऑपेसिटी कम करके यहाँ पे आपको शेडो क्रिएट करनी है। और जब आप लोगों की शेडो वगैरह बन जाएगी, तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को जो अपनी फोटो का यहाँ पे सिंपली डन कर लेना है, क्योंकि अब इसमें हमें और भी कोई चेंजेस करने की जरूरत है नहीं, ठीक है? तो फिलहाल बाकी स्मूथ वगैरह जो फेस वेस है वो आप कर लेना, उसके ऊपर वीडियो बनी हुई है तो आप वीडियो को देख लेना। बाकी अभी हम इस फोटो को सेव करते हैं, लेके चलते हैं लाइटरूम ऐप में, क्योंकि लाइटरूम ऐप में रिटच करके हम इसे और भी ज़्यादा अच्छी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसको ऐड कर लिया है। अब जाएंगे पहले लाइट वाले ऑप्शन में। तो गाइस लाइट का जो मतलब वो होता है ना, मतलब कि लाइट वाला जो पार्ट होता है, वो गाइस सबकी फोटोज़ में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे गाइस ये अपने आप अपने हिसाब से करना, ठीक है? क्योंकि आपको लाइटनेस वगैरह जो अपनी फोटो में अपने हिसाब से डालनी है। तो अभी हम इसको जो यहाँ पे लाइट वगैरह से डाल लेते हैं, ठीक है? अब चलते हैं हम कलर्स में। तो यहाँ से जो पार्ट है आपको, यहाँ वाला पार्ट जो आपको फॉलो करना है, ठीक है? यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाना है, एंड थोड़ा सा टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देना है। फिर जाना मिक्स में, ऑरेंज कलर लेना है। ऑरेंज कलर लेकर आपको इसका ल्यूमिनस बढ़ाना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे इसका सैचुरेशन जो है इसको कम करना है। एंड उसके बाद येलो कलर लेना है, इसका ह्यू आपको माइनस कर देना है। एंड जो ब्लू कलर है इसका ल्यूमिनस कम कर देना है, ठीक है? तो इतना हो जाने के बाद आप लोग इसको डन कर हैं। एंड उसके बाद चलना है ऐसे नीचे वाले टूल में। एंड नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की क्लियरिटी को बढ़ा देना है, एंड फोटो में जो है विग्नेट डाल देना अपनी फोटो के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद नीचे आपको मिलेगा फीदर, आपको उसको इंक्रीज़ कर देना है। एंड चले जाना नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद फोटो की शार्पनेस बढ़ा देना है, एंड जो है नॉइज़ रिडक्शन बढ़ा देना है। एंड फाइनली हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।